पुराने जमाने से यही रिवाज चला आ रहा है। इधर घर में चूंटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चूंटियों से भी निजात और सदके की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले मैं भी फिर आटा ही ट्राई कर लेती हूं। वो कुछ सोचते हुए कूपेक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गईं। और सत्तार भाई ने अब्बा को खशमगीन निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सत्तार भाई की दुकानदारी खराब कर दी, वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा। नहीं बेटा, ये बात नहीं, हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं। लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की खवातीन उसके सामने भी कुछ ना कुछ बचा खुचा सालन रोटी रख दिया करती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिनकर पकाई जाती हैं। बरकतें कहां से आएंगी फिर? इस कौम पर बॉम्ब ना गिरे, जलजले ना आए, सैलाब ना आए तो और क्या हो। अब्बा तासुफ के इजहार के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अरसा गुजर गया, मैं भी इस वाकये को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाई जान के यहां जाना हुआ। अभी डोरबेल बजाने ही लगा था कि चिड़ियों के झुंड के उड़ने की जोरदार आवाज कानों में पड़ी। चौंक कर ऊपर देखा तो पता चला कि मेन गेट के दोनों जानेब मिट्टी के कूंडे रखे थे और उन कूंडों से चंद लम्हे कबल यकीनन वो चिड़िया दाना चुग रही थी और अब मेरी आमद से डरकर उन्होंने उड़ान भरी थी। मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थी, बल्कि ऊपरी मुंडेर पर इधर उधर फुदक कर मेरे जाने का इंतजार कर रही थी। भतीजी ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़िया? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना पकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे भाईजान ने रखे हैं ये कूंडे लाकर चिड़ियों के दाने के लिए? वो मायने खेज अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई तो मुझे अचंभा सा महसूस हुआ। शाम को भाईजान आए तो मुझसे रहा ना किया। भाईजान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई खास वजह है क्या? नहीं, बस ऐसे ही अच्छा होता है, सदका देते रहना चाहिए, भाईजान ने आहिस्ता से समझाया। ये बहुत जरूरी होता है, खुसूसन जिस घर में बेटियां हों। फिर बताने लगे कि किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स ने आकर बताया कि वो गरीब आदमी है और परेशान है कि अपनी जवान बेटियों की शादी किस तरह कर पाएगा, क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई उसकी बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं। बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। गरीब आदमी मारे एहतराम के बुजुर्ग को तो कुछ ना बोल पाया, अलबत्ता आस्ताने से बाहर आकर जारो कतार रोने लगा। पास से गुजरते हुए किसी दाना ने पूछा, रोते क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, गुर्बत ने पहले ही मार मार कर अधमुआ किया हुआ है और सरकार ने फरमाया है कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तब बेटियों की शादी मुमकिन होगी। दाना आदमी मुस्कुराकर बोला, भले आदमी, भूखा क्या सिर्फ इंसान होता है? अल्लाह की मखलूक छोटी हो या बड़ी, भूख तो सबको सताती है। अगर तुम एक मुट्ठी आटा भी चूटियों को डाल दोगे तो समझो तुम्हारा सदका हो गया। दाना आदमी तो ये कहकर अपनी राह चल दिया और गरीब अपनी नाकिस अकल पर हंसते हुए अपने घर को चला। कुछ अरसे बाद ही सदके की बरकत से न सिर्फ वो अपनी बेटियों के फराइज से सुबुकदोश हुआ, बल्कि घर में भी खुशहाली आ गई। भाईजान, जिस वक्त ये वाकया हमको सुना रहे थे, मुझे अब्बा की मुट्ठी भर आटे वाली बात याद आ रही थी। मैंने आने वाले दिनों में देखा कि भाईजान ने अपनी चारों बेटियों की शादियां उनकी सही उम्र में बिल्कुल दुरुस्त मौके पर कर दी। शायद इसीलिए जब मैंने अपना घर लिया तो सबसे पहले अपने दरवाजे के पास चिड़ियों के लिए दाना रख दिया। कई बार घर बदला, हर बार ये चिड़िया कबूतर और कव्वे मेरे रिस्क की आसानियों का सबब बनते रहे। बीमारियां भी आईं, परेशानियों ने भी घेरा तंग करने की कोशिश की, मगर हमेशा ये परिंदे मुझे आसरा देते रहे। इन्न माल उसरे युसरा कि माने समझाते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई का यकीन दिलाते रहे।
अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक अपने बच्चों का बहता खून नहीं देखा, उन्हें किसी तकलीफ से तड़पते नहीं देखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे घर का सबसे बड़ा मसला यह था कि हमारी मुर्गी कुड़क हो जाने के बावजूद अंडों पर क्यों नहीं बैठ रही है। और ये वो दौर था जब मेरा घर कबूतरों वाला घर के नाम से मशहूर हो चुका था। यकीन मानिए कि ये तमाम बातें इसलिए नहीं लिखी हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मैं अपनी नेकियों का प्रचार करना चाहता था, बल्कि मैं इस राज को खोलकर बयान करना चाहता हूं जो सवाल की सूरत में मुझसे अक्सर किया जाता है कि आखिर कैसे गुजारा कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी को इसी नन्ही मखलूक की खिदमत करके आसान बनाया है। तमाम बड़ाइयां उस रब के लिए जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये कर सकूं। अल्लाह हम सबको सदकात की तौफीक अता फरमाए। आमीन।